हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल मिथुड़ो ब्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, बजाज कंपनी की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विक्रांत बाइक को लेके। जी हाँ दोस्तों, बजाज कंपनी अपनी विक्रांत 150 cc को एक बार फिर से इंडियन मार्केट में रिलॉन्च करने वाली है। अब रिलॉन्च होने के बाद में इसमें आपको फीचर्स कौन से नए देखने को मिल जाएंगे, प्राइस क्या रहने वाला है इस बार, इसके अलावा लॉन्च कब तक कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर, सारी बातें वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लुक्स के बारे में बात करें तो लुक्स तो भाई आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, थोड़ा आपको लुक्स मस्कुलर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों इसमें नए कलर्स और ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा लाइटिंग सेटअप में आपको पूरा बदलाव कर दिया गया है। पहले आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसमें आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि लगभग आपको बजाज की पल्सर बाइक्स में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा LED टेल लाइट मिलने वाली है। LED टेल लाइट का डिज़ाइन सेम ही रहेगा। हेलोजन इंडिकेटर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इंजन के बारे में बताऊं तो 149.70 cc का एयर कूलिंग इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसकी अच्छी खासी आपको पावर मिलने वाली है। 14.3 BHP तक की पावर मिल जाएगी। इसके अलावा ये बाइक आपको 5-speed गियरबॉक्स के साथ में मिलने वाली है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में सेफ्टी वाइज आपको साइड स्टैंड कटआउट सेंसर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, मीटर कंसोल के बारे में बात करी जाए तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, वहीं पे माइलेज के बारे में बात करी जाए तो इसमें आपको 45 से लेके 50 km/h तक का माइलेज मिलने वाला है। और दोस्तों, USB चार्जिंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। इसी के साथ में स्टार्ट करने के लिए आपको इसमें सेल्फ और किक दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हालांकि बजाज के ज़्यादातर बाइक्स में आपको किक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता इस बार, लेकिन इस बाइक में आपको किक का ऑप्शन भी दिया जाएगा दोस्तों। और जो इसमें इंजन यूज़ किया जाएगा वो आपका BS7 वाला इंजन यूज़ किया जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बताऊँ तो इसमें आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। और प्राइसिंग के बारे में जानते हैं तो दोस्तों, प्राइस आपको 1,40,000 रुपये से 1,50,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा, लगभग ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ दोस्तों। लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो इसी साल इसे लास्ट तक लॉन्च किया जा सकता है इंडियन मार्केट के अंदर। तो इस बाइक को लेके आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस बाइक को क्या इंडियन मार्केट में दोबारा रिलॉन्च करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।